नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे पर होने वाले सड़क हादसे अब आम हो चुके हैं। आए दिन कोई ना कोई सड़क हादसा इस एक्सप्रेसवे पर होता ही है और सोमवार सुबह भी एक बस हादसे का शिकार हो गई। ये बस लखनऊ से दिल्ली आ रही थी, तभी आगरा के झरना नाले में बस जा गिरी। इस हादसे में 29 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक लखनऊ से दिल्ली आ रही ये बस अवध डिपो की जनरत एक्सप्रेसवे रोडवेज बस थी। यूपी 3385877 अनियंत्रित होकर ग्राम कुबेरपुर के पास झरना नाले में गिर जाने से पानी के अंदर डूबती चली गई। पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर बचाव कार्य अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यात्रियों की मौत पर दुख जताते हुए पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि घायलों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाए। एतमादपुर थाना सीमा के अंतर्गत चौहान गांव के पास सुबह करीब 4:30 बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर उस समय चीख पुकार की आवाज आई जब सवारियों से भरी ये बस हाईवे के बीच में बनी जगह से होकर झरना नाले में गिर गई। घटना की सूचना पाकर थाना एतमादपुर सहित तमाम पुलिस थानों के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जेसीबी क्रेन से राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। सूचना के बाद डीएम आगरा एनजी रवि कुमार और एसएसपी बबलू कुमार भी मौके पर पहुंच गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद यूपी रोडवेज ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। बता दें कि बस में 50 से भी ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें 2 दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हो गए और 29 की जान जा चुकी है। तो फिलहाल इजाजत दीजिए, फिर से लौटेंगे देश और दुनिया के तमाम और भी बड़ी खबरों को लेकर। नमस्कार।